इस तरह से हम लोग निकालते हैं। हल्दी मसाला पीस रही है, आप लोग देख ही सकते हैं काज। हाँ जी, अभी वहाँ डालना पड़ेगा तो मिक्स कर देंगे। हाँ जी, और थोड़ा सा डालिए ताकि। हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग्स में। दोस्तों अभी शाम हो चुका है पूरा बढ़िया से, और दोस्तों हम लोग का इधर खाना बन रहा है, आप लोग देख ही सकते हैं। और दोस्तों हम लोग अभी बैठे हुए हैं, और दोस्तों आज हम लोग बनाएंगे मुनगा का सुट्टी का सब्जी का। हाँ जी, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। और छटू उधर खेल रहा है। कहाँ छटू, हाय बोल दो छटू एक बार इधर देख के। हाय बोल रहा है दोस्तों। और गाड़ी गाड़ी खरीदा है, क्या गाड़ी है छटू? कार गाड़ी बोल दो। कार गाड़ी है क्या छटू? फॉर्च्यूनर। हाँ, और दोस्तों हम लोग का इधर खाना बन रहा है, आप लोग देख ही सकते हैं। चलिए दोस्तों अभी हम लोग इसको बढ़िया से बना लेते हैं। और छोटू की माँ दोस्तों अभी छील रही है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। इसको फाड़ ली है और सूटी को काजी। हाँ जी, इसको अंदर का निकाल रहे हैं दोस्तों। इसको अंदर का को निकाल के केवल बनाएंगे दोस्तों, आप लोग देख ही सकते हैं। ये वाला नहीं ना सीजेगा। अंदर अंदर का को निकाल रही है दोस्तों छोटू की माँ, और उसी को अभी बनाएंगे। तो अभी छोटू की माँ बढ़िया से इसको निकाल रही है, इसका अंदर का को काजी। हाँ जी, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों आलू काट लिए हैं दोस्तों, आप लोग देख ही सकते हैं। अभी ये मुनगा का सूटी को अभी छिल रही है दोस्तों, पूरा ताजा है, पूरा बढ़िया एकदम, पूरा फ्रेश लग रहा है, पूरा ताजा है। हाँ जी, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, और बहुत ही बढ़िया लगता है दोस्तों इसका सब्जी। का छटू खाएगा? छटू छटू भी खाएंगे बोल रहा है दोस्तों। दोस्तों देख सकते हो इस तरह से हम लोग निकालते हैं दोस्तों सूटी को, इस तरह से चीर लेते हैं, उसके बाद से ग्लास से ऐसे रगड़ के घींच देते हैं दोस्तों, दबा के थोड़ा सा, देख सकते हैं तो पूरा निकल जाता है अंदर का, आप लोग देख ही सकते हैं उतना सा जमा हुआ है। और अभी भी उतना सा का बनाना है, आप लोग देख ही सकते हैं दोस्तों। और छोटू उधर खेल रहा है, कहाँ छोटू है ना? हाँ, क्या बोलता है बोले तो? तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको पूरा बढ़िया से, इसको पूरा सबको चीर लेते हैं बढ़िया से, उसके अंदर का निकाल लेते हैं काजी। हाँ जी, अभी और उसके बाद में मिलते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग सूटी को बढ़िया से इसको चीर लेते हैं काजी। हाँ जी, उसके बाद में इसके अंदर का जो होता है दोस्तों उसको अभी निकाल लेते हैं, उसके बाद में आप लोगों से मिलते हैं दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों हम लोग अभी पूरा निकाल चुके हैं दोस्तों, ये रहा, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों पूरी अच्छी तरह से हम लोग निकाल चुके हैं। और दोस्तों अभी निकाल रहे हैं हम लोग सेम्बी का जी। हाँ जी दोस्तों, इसे हम लोग सेम्बी बोलते हैं। तो इसका अंदर का जो गोटा होता है ना दोस्तों, तो उसको अभी निकाल रहे हैं। और छोटू भी निकाल रहे हैं, छोटू का निकाल रहा है छोटू? बोल दो सेम्बी बोल रहा है दोस्तों, सेम्बी निकाल रहे हैं, बोल रहा है उसका अंदर का जो गोटा होता है तो उसको निकाल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहे। ये रहा दोस्तों हम लोग का अभी चूल्हा जल रहा है, आप लोग देख ही सकते हैं। और दोस्तों ये रहा सेम्बी का गोटा, उसको धो रही है। और दोस्तों इधर है हम लोग का सूटी और आलू, आप लोग देख सकते हैं, और क्या ही मस्त लग रहा है दोस्तों। और दोस्तों छोटू खाली थेथार करता है, बदमाशी का छोटू है ना? दोस्तों देख सकते हो अभी हम लोग तेल डाल रहे हैं, कढ़ाई गर्म हो चुका है, उसमें डाल रही हूँ, देख सकते हो दोस्तों अभी छोटू के माथे तेल डाल रही है कढ़ाई में, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इधर है सेम्बी, उधर है सूटी और आलू, आप लोग देख ही सकते हैं दोस्तों। और छोटू कहाँ करता है रे तू? दोस्तों देख सकते हो मिर्चा काट ली हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो अभी हम लोग मिर्चा डाल रहे हैं, देख सकते हो दोस्तों तेल गरम हो चुका है बढ़िया से, तो उसमें अभी मिर्चा डाल दी, अभी आप लोग देख ही सकते हैं दोस्तों गरम हो चुका है। और दोस्तों प्याज को काट रही है, और अभी प्याज को भी डालना है काजी। हाँ जी, हम डाल देंगे गरम, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो अभी हम लोग प्याज को डाल रहे हैं, दोस्तों अभी प्याज को डाल रही है, आप लोग देख ही सकते हैं दोस्तों बढ़िया से इस तरह से प्याज को डाल रही है, काट के बैठी से काजी, आप लोग देख ही सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी सेम्बी का गोटा को डाल रही है, आप लोग देख ही सकते हैं दोस्तों, बढ़िया डाल के दोस्तों बढ़िया से चला रही है, ताकि दोस्तों ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, आप लोग देख ही सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों अभी सूटी को भी धो ली है, तो अभी उसको भी डालेगी काजी, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों अभी सूटी को डाल रही है, उसमें अभी डाल देगी। और तुम छट थे सर डाल रही है दोस्तों सूटी को, आप लोग देख ही सकते हैं। अरे रे उठो उठो उठो, नहीं लगा है, उठो उठो उठो, छटू लागवे नहीं करता है गिरने से, कहा छटू है ना, नहीं लगता है छटू। और दोस्तों इसको भी चला के बढ़िया से मिक्स कर देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, आप लोग देख ही सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी छटू की माँ आलू को धो रही है का जी, दोस्तों अभी धो रही है, उसके बाद में उसमें आलू को भी डालेगी, आप लोग देख ही सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो अभी हम लोग आलू को धो लिए, अभी डालना पड़ेगा वहाँ कढ़ाई में।
दोस्तों आलू को बढ़िया से धो ली है और अभी आलू को भी उसमें डाल रही है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों आलू को भी डाल रही है उसमें, बढ़िया से सब आलू को उसमें डाल लेंगे। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, और मस्त लग रहा है देखने में, आप लोग देख ही सकते हैं दोस्तों। सबको डाल लिए बढ़िया से और उसके बाद में चला के अच्छी तरह से मिक्स कर रही है दोस्तों, आप लोग देख ही सकते हैं। देख सकते हो अभी हम लोग नमक डाल रही हूँ दोस्तों, अभी छोटू की माँ नमक डाल रही है उसमें बढ़िया से, ऐसे चला के मिक्स कर देगी इस तरह से, आप लोग देख ही सकते हैं, ताकि जो नमक है वो बढ़िया से मिक्स हो जाए दोस्तों। देख सकते हो अभी हम लोग टमाटर काट को दे रही हूँ उसमें सब्जी। दोस्तों अभी टमाटर को काट रही है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, और उसमें डाल रही है ताकि ये भी साथ में मिक्स हो जाएगा। हाँ जी, आप लोग देख ही सकते हैं दोस्तों, उसमें टमाटर को छोटा छोटा काट के डाल रही है इस तरह से दोस्तों, आप लोग देख ही सकते हैं। और छोटू इधर पढ़ाई कर रहा है अभी फाड़ फाड़ के, क्या छोटू? दोस्तों टमाटर को पूरा बढ़िया से डाल लिया और अभी उसको चला के मिक्स कर दे रही है, ताकि टमाटर भी बढ़िया से मिक्स हो जाए दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं मस्त से एकदम चला के मिक्स कर रही है, इसमें पूरा डाल दिया सब कुछ जो भी सामग्री लगता है दोस्तों। अभी हल्दी मसाला को अभी पीस रही है छोटू की माँ, तो चलिए दोस्तों आप लोगों को दिखाते हैं। रहा दोस्तों छोटू की माँ हल्दी मसाला पीस रही है, आप लोग देख ही सकते हैं। हाँ जी, अभी डालना पड़ेगा तो दोस्तों इसको ही अभी डालेंगे पीस के, और पीस के डालने में दोस्तों ज्यादा ही बढ़िया लगता है। हाँ जी, जीरा दोस्तों इसमें जीरा गोल की हल्दी मसाला सब कुछ डाल दी है और उसको बढ़िया से सिलौट में पीस रही है। का जी दोस्तों, इसे हम लोग गाँव देहात में सिलौटी बोलते हैं, आप लोग देख ही सकते हैं दोस्तों। और बढ़िया से भुजा चुका है दोस्तों, आप लोग देख ही सकते हैं। और दोस्तों अभी उसमें डाल रही है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों बढ़िया से, और चला के अभी मिक्स कर देगी। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इसको बढ़िया से चला के मिक्स कर देना है हल्दी मसाला डाल लेने के बाद में, ताकि जो दो हल्दी मसाला था वो बढ़िया से मिक्स हो जाए दोस्तों। आप लोग देख ही सकते हैं इस तरह से एकदम चला चला के मिक्स कर लेना है दोस्तों, का आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, और बढ़िया से चला के मिक्स कर देंगे। हाँ जी, और थोड़ा सा डालिए ताकि थोड़ा सा खोलेगा डपक जाएगा दोस्तों, उसके बाद में कम हो जाएगा, आप लोग देख ही सकते हैं। हम लोग पानी डाल दिए और बढ़िया से चला के मिक्स कर देंगे दोस्तों, आप लोग देख ही सकते हैं। दोस्तों हम लोग इसमें पानी उनी पूरा डाल लिए और अभी ढक के छोड़ देंगे, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से। कहा जी, हाँ जी दोस्तों पूरा ढक दिया और थोड़ा देर के लिए इसको खोलने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि बढ़िया से डबक के मिक्स हो जाए दोस्तों, आप लोग देख ही सकते हैं। दोस्तों हम लोग का सब्जी तैयार हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, और क्या ही मस्त लग रहा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अभी सब्जी को उतारेंगे। कहा जी, हाँ जी उतार रहे हैं। तो अभी दोस्तों छोटू की माँ अभी सब्जी को उतारेगी, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, छोटू की माँ अभी सब्जी को उतार रही है और उतार के उधर रख दी दोस्तों, और अभी हम लोग उसमें पानी डाल देंगे दोस्तों। और दोस्तों हम लोग अभी चूल्हा में पानी को चढ़ा दिए, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ताकि ये बढ़िया से गर्म हो सके, और दोस्तों हम लोग गर्म पानी ही पीते हैं। कहा जी, तो दोस्तों ये था हम लोग का मुनगा का सब्जी। कहा जी, हाँ जी दोस्तों, आप लोग देख लीजिए, और दोस्तों मुनगा का सूटी बोलते हैं इसको, और दोस्तों बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में भी, पूरा स्वादिष्ट लगता है। और दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार का खाद का उपयोग नहीं होता है दोस्तों, यूरिया डीएपी ये सब बोलते हैं दोस्तों, ये चीज उसमें नहीं लगाया जाता है दोस्तों। ये पेड़ के ऊपर में जो मुनगा का रहता है दोस्तों, उसमें फटता है और दोस्तों खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि कौन कौन खाए हैं इसको, मुनगा का सूटी को। कहा जी, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों जितना से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को प्रेम पूर्वक धन्यवाद।